Hey guys, what's up? I am Tukredits and welcome back to my channel. जैसे आप लोगों को पता है, जो आप में से मुझे Instagram पे फॉलो करता है, तो अभी साइड में आपके यहाँ पे एक फोटो आ रही होगी जिसके साथ कॉन्सेप्ट रखा था मैंने रेड रोज का. एंड गाइस, जैसे मैंने Instagram पे वाली फोटो अपलोड करी तो काफी लोग कमेंट आने लगे थे एंड मुझे मैसेज आने लगे थे ये शूट कैसे किया, मैंने इसको एडिट कैसे किया. काफी लोग सोच रहे थे कि मैंने मैनिपुलेशन किया, बट गाइस मैनिपुलेशन वगैरह कुछ नहीं किया था. तो ये मैंने जो पूरा शूट किया था एंड मैंने स्टोरी भी डाली थी अपने Instagram पे कि गाइस आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए कि मैंने ये कैसे शूट किया. उसमें से सब लोगों ने यही बोला कि हाँ, इसका मुझे ट्यूटोरियल चाहिए. आपको यहाँ पे वोट के परसेंटेज दिख रही होंगे. तो फाइनली मैं इसको दोबारा शूट करके सिर्फ आप लोगों के लिए व्लॉग बनाऊंगा. मैंने ऑलरेडी इसको शूट कर लिया था, जैसे आप लोगों को पता है, मैं दोबारा इसको शूट कर रहा हूँ ताकि मैं व्लॉग बना सकूं एंड आप सब लोगों को दिखा सकूं कि मैंने फोटो शूट कैसे किया, कैसे सेटअप करा, कौन सा कैमरा यूज किया, कौन सा लेंस यूज किया, पूरा मैं आपको बिहाइंड द सीन आपको दिखाने वाला. तो काफी ज्यादा मजेदारी वीडियो होने वाली है. सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट. ओके गाइस, सो गाइस हमें क्या करना है इस कॉन्सेप्ट के लिए, तो मैं बैकग्राउंड है वो ब्लैक रखूंगा, बिल्कुल डार्क ब्लैक रखूंगा. तो ये मैं याला जो है पर्दा को यूज करूंगा, बैकड्रॉप को, इसको बैकड्रॉप कहते हैं. तो मैं इसको यहाँ पे पूरा सेट करूंगा एंड एक चीज और चाहिए गाइस, ये हमारे सूरज बताएंगे क्या चाहिए. तो भाई क्या बढ़िया था गुरु. तो भाई सबसे पहली चीज आपको ये ब्लैक पर्दा चाहिए होगा एंड उसके बाद आपको रोज कहीं पे फूल मंडी से हम लेके आया है. तो यार बेसिकली आपको ये रोज चाहिए, ठीक है, कहीं से भी नहीं आना, रोज मिल जाएगा आपको. एंड ये रोज के साथ हम फोटो शूट करेंगे. तो हमने तीन रोज इसलिए लिए हैं क्योंकि बाय चांस हम बैकअप के लिए लिया है, बाय चांस एक रोज खराब हो जाए इसलिए. एंड वीडियो भी बनाना है, थोड़ी स्लो मोशन भी बनाना है, सो वो अभी आपको सब दिख जाएगा. तो लो भाई, तो गाइस हम ये वाला जो स्टैंड यूज करेंगे जिसके ऊपर हम अपना बैकड्रॉप को पूरा टेकेंगे, मतलब इसके ऊपर पूरा रखेंगे. एक मैं उस साइड लगाऊंगा एंड एक इस साइड लगाऊंगा. उधर लगा दियो, ओपन कर देता. ये लेबर 50 रुपए में आई है. इसको हम ऊपर लेके जाएंगे क्योंकि गाइस होता क्या, कई बार मैं शूट करता हूँ, मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ, बट इसको पूरा ऊपर लेके जाना ताकि हम जो फोटो क्लिक कराएंगे जो बैकड्रॉप है हमारे ऊपर तक आए, यहाँ तक नहीं आए नेक तक. तो मैं बिल्कुल ऊपर लेके जाऊंगा इसको यहाँ तक. वो देखो वहीं तक, वहीं पटका है वो अभी तक. समझ नहीं आ रहा कैसे होगा, ये समझ में नहीं आ रहा ना. ये बैकड्रॉप हमारा ये बहुत ही बड़ा होता है एंड ये बहुत ही चीप प्राइस में आपको अमेजोन में मिल जाएगा, कुछ 300-400 रुपए का मिल जाएगा. बाकी जो मैंने जहां से परचेस किया था मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, आप वहां पे जाके इसको परचेस कर सकते हो. एंड ये ट्राइपॉड का भी लिंक दे दूंगा ताकि आप लोग इजीली परचेस कर सको. ये फोटो शूट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हम अपने रूम में कर रहे हैं बहुत इजी तरीके से, आप लोग भी कर सकते हैं. ऊपर टेक दे बस, उसको वहीं से पकड़ के रखे एक बार. मैं चिमटी लेके आता हूँ. तो हमारे पास चिमटी नहीं है, क्लिप्स नहीं है, तो यहाँ क्लिप्स से कपड़े सुखाते हैं, इसको यूज कर लेंगे. देख इधर सलवट जैसे भी आए ना, ये खींच खींच. सो गाइस हमारे यहाँ बैकड्रॉप लग चुका है, जैसे आपको दिख रहा होगा पूरा हमारा ब्लैक बैकग्राउंड हो चुका है. सो धीरे काम हो रहा है. सो गाइस जो मैं कैमरा यूज करूंगा अपनी फोटोग्राफी के लिए आज की शूट के लिए, मैं वो यूज करने वाला हूँ सोनी A7 III, जो कि मेरा न्यू कैमरा आपको पता है. एंड इसके साथ जो मैं लेंस यूज कर रहा हूँ 85mm 1.4 इसका अपर्चर है, ठीक है. एंड मेरे रूम में ज्यादा स्पेस नहीं है तो मैं 50mm यूज करना चाहता हूँ, बट वो मेरे पास है नहीं. सो मैं इसी को यूज करके क्लिक कर लेंगे पोर्ट्रेट में, यूज हो जाएगा रूम में, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है. गाइस मैंने रिंग लाइट को यहाँ पे लगाया है एंड यहाँ पे मैंने जो अपने मॉडल को, मतलब यहाँ पे हम बीच में खड़े होकर फोटो क्लिक कराएंगे ताकि लाइट जो सारी क्रिएट हो इस तरफ से हो, इधर जो है पूरा डार्क ब्लैक टोन है, ठीक है, ताकि लाइटिंग अगर आपके फेस सामने से आएगी सो होगा क्या, उससे हमारे पूरी फोटो में ऐसे लगेगा जैसे हमने मोबाइल से क्लिक करी. तो लाइटिंग का थोड़ा बहुत खेल है, वो आप अभी फोटो देख के समझ जाओगे. क्यों भाई? बिल्कुल भाई, इसके अंदर काटे हैं भाई, देखो ये कह रहा नहीं है, अभी चूजाते मेरे हाथ में, अभी करवा देते हैं काटों के साथ. सालों से बोलना चाह रहा था मैं, आई लव यू. सो गाइस ये तीन रोज है, तो अभी हम फोटो क्लिक करेंगे, सिर्फ एक रोज के साथ क्लिक करेंगे, इसको कबूल कीजिए, थैंक यू. एंड ये दो रोज को हम बैकअप ले रख देते हैं, ठीक है. सो अब हम जल्दी से, हमने अपना हथियार उठा लिया, अब हम इससे फोटो क्लिक करते हैं. हाँ, सो गाइस सबसे पहले मैं सेटिंग बता दूं इन लोगों को. तो गाइस मैं यहाँ पे जो सेटिंग यूज कर रहा हूँ अपर्चर 1.4 कर रहा हूँ, ठीक है. एंड जो ISO है वो मैं 250 कर रहा हूँ एंड वो अपनी लाइटिंग के हिसाब से मैं मैनेज करते रहूंगा. एंड यहाँ पे जो आपको शटर स्पीड दिख रही है, यहाँ दिख रही है 120-50, ठीक है. अब हम फोटो क्लिक करते, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है. तो पोज देना आते तेरे को पता है कुछ पोज हो गया तो थोड़ा सा वाला पोज दिलवाए तो जो अपने वाला मैं यहाँ पे रोज को रख के यहाँ पे रोज को रख सकता. हाँ, जो मैंने तुझे सिखाया था वही वाला रख रख यहाँ पे रख. अब नीचे की तरफ देख के ऐसे पोज दियो, आग को थोड़ा सा ऊपर, रोज को हल्का सा आगे कर, हल्का सा आगे कर रोज को. फेस तो सही बना, ऐसा लग रहा है किसी पिटका है. वेरी गुड,
और ये डरी हुई शक्ल। फोटो देखो आई तो है कुछ थोड़ी बहुत, सही तो लग रही है लेकिन हंस दिया ये देखो, थोड़ा बहुत दिख रहा है। ये वाली फोटो अच्छी है, ये बहुत अच्छी है। थोड़ा सा एटीट्यूड और हम इसकी फोटो देखेंगे। फोटो अच्छी आ रही है, मैं लाइट इसलिए कम होगी क्योंकि हमने मेन वाली ट्यूबलाइट बंद कर दी है। पूरा हमें डार्क करना था, बस हमने रिंग लाइट जला रखी है इस टाइम। अब पोज दिमाग में आ रहा है। सो गाइस अभी जो मैंने इसकी फोटो क्लिक करी है अभी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। एंड अभी और ट्राई करते हैं एक दो फोटो और निकालने के लिए, फिर उसके बाद सूरज मेरी क्लिक करेगा फोटो। अभी इसकी थोड़ी सी क्लिक कर देते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? सही से पोज दे यार, समझ में ही नहीं आया, मजा नहीं आएगा नहीं तो एडिट को देखने में। सही सा दो एक पोज हुआ हो, देखो ऐसे पकड़ रो उसको, ऐसे करके ना, ऐसे करके जैसे ऐसे करके एटीट्यूड में सामने की तरफ देख ऐसे, ठीक है? ऐसे थोड़ा सा यूनिक भी लगेगा ये, ऐसे करके। अब कर लिया, अब कर नहीं पाएगा, देखिए ये कर लेगा ये, मुझे पूरा भरोसा है। अब एक काम कर, रोज कॉल कर से ऊपर कर, हाँ ऐसे देख उसको, वेरी गुड आ गई। देखो उसके पोज के दिमाग में आए, देखो धीरे धीरे आ रहे हैं, घास निकाल रहा है गुलाब का फूल। गाइस हमारे रूम में ज्यादा स्पेस नहीं है, हम ऐसे क्लिक कर लेते इतनी जगह पे हो जाती है, बट ये हम काम चला लेते अपना कम से कम जगह में। हाँ टैलेंटेड, टैलेंट होने चाहिए। क्यों? बिल्कुल भाई, फूल ही निकलता रहेगा तेरे हाथ से। तो गाइस यहां सैम की फोटो क्लिक हो चुकी है, सो अब मैं फोटो क्लिक कराऊंगा एंड अब मैं ये जैकेट पहनूंगा। अब जैकेट दे, चलो ये जैकेट दे, दिया ना भाई, छीन क्यों रहा है? सब मैं जैकेट पहनता हूं एंड मैं आउटफिट अपना चेंज करके फोटो क्लिक कराता हूं। तो फिर भाई रेडी हो रहे हैं, यहां पे हमने रिंग ले ली अपनी एंड वाली हाफ जैकेट में ही क्लिक करा के देख पूरी मस्त है। हां कुछ ऐसा लेते हैं, सूरज का दिमाग है, देखते कैसे फोटो हमारी आती है। किस भाई का दिमाग है? चल अब थोड़ी सी जगह दे, ठीक है इस तरफ से है ना, सही आ रही भाई। हां कुछ लग रहा है, खुल के आ, थोड़ा सा खुल के आना पड़ेगा, खुल के पीछे झुक मत ना ज्यादा। मैं झुकू नहीं, देख ले पहले एक बार ही। ये वाली फोटो अच्छी आई है, बहुत बढ़िया फोटो क्लिक कर रहा, बहुत बढ़िया। तो जब हमारे पास है ना जगह कम पड़ती है तो ये कंप्यूटर टेबल पे उठ के बैठना पड़ता है हमें, ताकि स्पेस मिल जाए। तो एक थोड़ी सी स्पेस मिल जाता है और ये बटन बार बार दबते ही रहता है। चलो इस वाले में तो हो गई ना, आप चेंज कर ले, जैकेट पूरी पहन ले। सो गाइस हमारा जो नेक्स्ट पोज में रखूंगा अपने रोज के साथ, वो रखूंगा मैं जो रोज है अपने दूसरे वाले आंख की तरफ ऐसे रखूंगा, ठीक है? एंड सामने की तरफ देखूंगा एटीट्यूड के एंड आपको पता लग जाएगा कैसी फोटोज आएगी। सो ठीक है, एटीट्यूड के एटीट्यूड में रहने निकल जाता हूं लोग मैं, हल्की सी लाइट। ओए मेरी ना इस तरफ से फोटो अच्छी नहीं आ रही, इस तरफ से लाइट कर देता हूं। कर दे, हां सो यहां पे सही है। सो गाइस मैंने रिंग लाइट की लोकेशन, भाई यार भाई क्या हो रहा है, लाइट बार-बार बंद करके वीडियो बन रही है वीडियो। सो गाइस मैंने यहां से जो रिंग लाइट की लोकेशन चेंज कर दी, क्योंकि होता क्या है मेरे इस तरफ से फेस का जो मुझे लगता है कट अच्छा नहीं आता, तो फेस का होता है ना दोनों तरफ से हमारा फेस, इस तरफ से मुझे अच्छी लगती है फोटो जो आती है, तो इसलिए मैंने लाइट को इधर कर दिया एंड मैं इस तरफ देख के फोटो क्लिक कराऊंगा। सो चलो वही वाला पोज कंटिन्यू करते हैं। दिखाई फोटो एक बार, वो फोटो तो एक नंबर आई। तो गाइस फोटो तो एक नंबर आ चुकी है मेरे इस वाले पोज की। अब मैं नेक्स्ट पोज जो सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ इसको जो रोज को उसे स्मेल करते हुए ऐसे पोज दूँ, काफी बढ़िया फोटो आएगी। मैं रैंडमली यूं करके करूंगा तो क्लिक कर दो, ठीक है? ठीक है चल, एक बार दोबारा, ठीक है थोड़ा सा ये कर लूं, एक दो दो तीन, एक और लियो, ठीक है चल रेडी। हाँ एक्शन बस। तो यहाँ पे हमने कंटिन्यू शॉट, हमने ये वाला पोज दिया जो ये कंटिन्यू शॉट पे जानबूझ के, ओए 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 शिट यहाँ पे लोग शूट करते करते देखो क्या करा, पूरा बैग ड्रॉप किया, ऐसी कम तैसी करती काम हो गया था, मैं क्या कर लेके जा रहा हूँ, क्या हो गया भाई, मेरी गलती नहीं अपने आप गिर गई है। चल कोई बात नहीं, अब सही भी करते जैसे कि दोबारा करते गाइस हम कुछ और कर लो गलती, देखो ध्यान कहीं और ही था इसका, अब सेट कर रहे हैं, कच्चा दिमाग है इसका, कच्चा बादाम।
इसको पकड़। सही है नीचे की तरफ हो जाइए ना। अबे क्या गंदा सा लगा लिया, देखियो बैकड्रॉप। अबे तू देख तो ले, देखो गाइस इन्होंने बैकड्रॉप लगाया, देखो कितना गंदा लगाया, देखो नीचे से देखो। बैकड्रॉप यहाँ पे लग चुका है, सो अब हम थर्ड पोज की तरफ जाते हो। एक तो मैंने ये वाला दे दिया, एक स्मेल कर तो दे दिया, एंड थर्ड पोज मेरा कुछ इस तरीके का है जो कि मैं यूज करूंगा। एंड मैं भी आपको ये भी बताऊंगा जो मेरे वॉलपेपर आपको जो मैंने इंस्टाग्राम पे अपलोड करा था वो भी बताऊंगा मैंने कैसे क्लिक करा था। so, भाई काटे हैं इस वाले में, ठीक है। तो भी देख लेते हैं मेरी फोटो कैसी आई है। भाई एक नंबर आ रही है। अब मैंने जैकेट में मेरे अपने तीन फोटो जो है क्लिक करा ली। अब मैं इस थोड़ा सा रोज के साथ थोड़ा सा फोटो क्लिक कराता हूं। जैकेट ठीक है, मैं वॉलपेपर के लिए गाइस क्लिक करा रहा हूं जो मैंने क्लिक कराई थी। तो मैं इस तरह से तोड़ता हूं करूंगा, ठीक है। इसको उधर से क्लिक करियो, रुक जा पहले मैं फ्रेम सेट कर लूं। भाई इधर का बैकड्रॉप लियो, ठीक है। ठीक है, ऐसे गुस्से में दिया कैसे मुझे रोज, ऐसे तोड़ना है। देख लो गाइस कैसे वॉलपेपर बनाते हैं। रेडी? हां, एक्शन। बस 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 हो गया, ठीक है। हाथ से तोड़ते हैं यार, इससे रोज खराब हो जाएगा। कोई बात नहीं, फायदा होगा बैकअप रोज का हमारे, ठीक है। सो एक बोले पेपर के लिए गाइस हम इस तरह से बनाएंगे। तोड़ रहा हूँ पहले, ठीक है। एक्शन। रोज के साथ फोटो क्लिक कराए वॉलपेपर जो हमने क्रिएट करने के लिए, जो कि मैं फोटो के स्लाइड में डालूंगा। सो बहुत ही बढ़िया फोटो आई है। तो यहाँ पे गाइस हमारा जो है फोटो शूट पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो आपने देख ली होगी हमारी कितनी बॉम बॉम फोटोज आई है। एंड गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि जो फोटोज आई है इसके अंदर जो मैंने एडिट करा वो कितनी डोप एडिट करी है। एंड काफी लोगों को समझ नहीं आ रहा जो मैंने एडिट करी है कैसे करी, काफी लोगों के मन में भी होगा कि ये ट्यूटोरियल लेके आओ। सो गाइस कमेंट करके बताना जो मैंने फोटो एडिट करी है, डार्क टोन जिस फोटो में दिया है, ब्लैक एंड रेड टोन भी दिया एंड डार्क टोन भी दिया है। सो कमेंट करके मुझे बता देना अगर आपको इसका ट्यूटोरियल चाहिए हो कि मैंने कैसे एडिट करी। मैं आपको पूरा बता दूंगा स्टेप बाय स्टेप मैंने कैसे एडिट करी। एंड गाइस एक चीज और, जो मैंने फोटो शूट किया इसके अंदर से मैं आपको तीन अपनी जो है रो पिक दूंगा, बिल्कुल ओरिजिनल जो मैंने कैमरे से फोटो क्लिक करी रो पिक बिल्कुल वही होगी, ताकि आप लोग उस फोटो के ऊपर कोई प्रैक्टिस कर सको एंड फोटो देख सको कि किस तरह से हमारी फोटो आई है। ओके गाइस, तो गाइस व्लॉग बनाने में सूरज ने एंड शिवम ने बहुत ज्यादा हेल्प करी है, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ज्यादा हेल्प करी है। शिवम ने आपने देखा कितनी ज्यादा हेल्प करी है, बहुत ज्यादा हेल्प की, काम बिगाड़ी है इसने बहुत ज्यादा। लेकिन हाँ गाइस, अगर आप लोगों को तो फिर का ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज यार ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, भाई को सपोर्ट करना। बहुत टाइम से आप लोगों को एडिटिंग सिखा रहा है तो भाई मिल जाएंगे पेमेंट। एंड गाइस एक चीज, इन दोनों को फॉलो कर लेना, इन्होंने काफी तो मेहनत करी है। इसका इंस्टाग्राम यूजर नेम बता दो भाई अपना। मेरा इंस्टाग्राम यूजर नेम है भाई सूरजपोल01। तेरा? मेरा है सैम कुमार। तो गाइस इन दोनों को फॉलो कर लेना, बाकी मैं लिंक आपको नीचे दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाके फॉलो कर लेना। ठीक है, बढ़िया ब्लॉग हमारा इन्होंने बनवाया है। एंड गाइस चलिए चलते हैं, और वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, सपोर्ट करना है। क्या करना है गाइस, वो घंटी भी बजा दो ताकि तो फिर की कोई भी वीडियो आए आपको सबको पहले पता लग जाए। सो गाइस चल चलते हैं, हम मिलते हैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो तक। बाय, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, लव यू ऑल।